आज हमारे साथ है कर्नाटका कोचिंग सेंटर के विनय लासो सर। आइए उनसे जानकारी लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स के बारे में कैसे रहता है करके। हेलो सर। यस हेलो जी, मेरा नाम है विनय लासे। सो आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या वैकेंसीज, क्या क्या अलग अलग रोल्स है जॉब्स हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम हमारे कर्नाटका स्टेट से लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उन्हें जानकारी नहीं प्राप्त होती, इसलिए वो बहुत बार टेंथ पास होते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाता, ट्वेल्थ पास होते हैं बहुत सारे जन लेकिन जॉब नहीं है, और डिग्री भी बहुत सारे बच्चों के पास है लेकिन उनके पास भी जॉब नहीं है। लेकिन वैसे देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में बहुत सारे जॉब्स उनके लिए वेटिंग में है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस उन्हें जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपके यहाँ पे चैनल पे, आपके न्यूज़ चैनल पे यही बताने वाला हूँ कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिनकी टेंथ हो गई है या ट्वेल्थ हो गई है या डिग्री हो गई है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके टेंथ लेवल, ट्वेल्थ लेवल और डिग्री लेवल, ये तीनों में अलग अलग तरह से बताऊँगा। जो बच्चों का टेंथ हो गया है, जिन बच्चों का टेंथ हो गया है और वो गवर्नमेंट में एक सरकारी जॉब में वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे अलग अलग वर्क्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर टेंथ के बाद में प्रेजेंटली डिफेंस में अगर जाना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट वे, कि इंडियन आर्मी में अगर टेंथ के ऊपर वो आर्मी जीडी करके ज्वाइन हो सकते हैं। और आर्मी जीडी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो उनको एक फिज़िकल राउंड ये सब क्लियर करना पड़ता है, और आफ्टर दैट, आफ्टर क्लियरिंग ऑल दिस, वो फिज़िकल क्लियर करने के बाद में उन्हें एक एग्ज़ाम लिया जाता है, और एग्ज़ाम में उनके पास मैथ्स, रीजनिंग और जीके के ये सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं जो उन्हें आंसर करने पड़ते हैं। बहुत ही इजी सा पेपर रहता है, एक दो तीन महीने के प्रिपरेशन में ही वो एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों के लिए वैकेंसीज है। हाल ही में रिसेंटली फरवरी 2020 में, अभी जो महीना चल रहा है, अभी बहुत सारे एक 8,000-9,000 वैकेंसीज, 9,000 वैकेंसीज टेंथ पास बच्चों के लिए निकली है। वो निकली है एसएससी एमटीएस में। अब ये एसएससी क्या है, ये एक कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। यहाँ पे टोटल 9,000 वैकेंसी निकली है जिनका टेंथ पास है। एज लिमिट है इसके लिए 18 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक जो भी बच्चे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो टेंथ पास, तो इसका मतलब है जिनका टेंथ प्लस अबाव है, जो डिग्री भी कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्वेल्थ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम टेंथ होना चाहिए और एज लिमिट 25 के अंदर, 25 साल से कम होनी चाहिए, वो वाले स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी है एसएससी एमटीएस, वो 25,000 पर मंथ उन्हें टोटल सैलरी मिल जाती है। तो ये अभी हमारा बच्चे एसएससी में होते हैं ना, उनका मार्क्स इतना ही होने करके कुछ तो रहेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ, थोड़े ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके टेंथ में परसेंटेज कम रहते हैं, लेकिन एसएससी के लिए ऐसा कुछ ये नहीं है। वहाँ पे इवन जिन बच्चों के बहुत कम परसेंटेज आ गए या कुछ आया, वैसे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे उस जॉब में, सरकारी जॉब में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें कुछ नहीं रहता, उसमें सिर्फ आपको सिर्फ टेंथ में पास होना है, एक पासिंग वाला सर्टिफिकेट आपका रहना चाहिए, और वो होने के बाद में उनका एक एग्ज़ाम लिया जाता है। वो एग्ज़ाम एक पेपर रहता है 100 मार्क्स का, जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो उन्हें देना पड़ता है। एक बार उन्होंने ये वो 100 मार्क्स का पेपर क्वालिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया, तो उनके बाद, उसके बाद में एक स्टेज नंबर 2 में, जिसमें लेटर और एसे राइटिंग, सिंपल सा सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहता है, बस ये दो ही रहते हैं स्टेजेस, जिसके बाद में उसे अच्छी से अच्छी जॉब उसे एसएससी एमटीएस में मिल जाती है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में, एमटीएस में जो जॉब मिलता है उन्हें, वो मिलता है ऑफिस वर्क का। ऑफिस में जो भी वर्क होते हैं ऐसे वर्क उन्हें मिलते हैं, और सैलरी वाइज देखा टेंथ के बच्चों के लिए या टेंथ प्लस ऊपर वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है ये। जी हाँ, अभी टेंथ का हुआ सर, अभी सेकेंड ईयर में आर्ट्स ले अथवा कॉमर्स और साइंस, उनको वो अब सेकेंड ईयर होने के बाद हमारे को डिग्री नहीं सीखना है, हमें डायरेक्ट हमारे को गवर्नमेंट कुछ तो जॉब करने का है, वो क्या कर सकते हैं, कौन सा एग्जाम को प्रिपेयर हो सकते हैं? तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड जो बच्चे पास हुए हैं, तो ट्वेल्थ के स्पेशली बहुत सारे बच्चों में, एक थोड़े बच्चों को क्या लगता है ट्वेल्थ साइंस मतलब ही हम एयरफोर्स में जा सकते हैं या आर्मी इसमें जा सकते हैं। अब पहली बात आती है इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी में कोई भी साइंस वाला, आर्ट्स वाला या कॉमर्स वाला, सॉरी साइंस वाला स्टूडेंट जा सकता है टेक्निकल राउंड में।
अब एयरफोर्स की बात आती है तो एयरफोर्स में थोड़े बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि मेरे पास साइंस नहीं है ट्वेल्थ, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन आप ध्यान रखिए, एक है इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप वाई करके एक वो पोस्ट आती है जिसमें इवन साइंस के स्टूडेंट भी, कॉमर्स के स्टूडेंट भी और आर्ट्स के स्टूडेंट, ये तीनों ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स। जिनकी एज 21 ईयर्स से अंडर है वो इंडियन एयरफोर्स में ट्वेल्थ पास या फिर ट्वेल्थ फाइनल ईयर वाले वो स्टूडेंट्स भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस तरह हम डालने के लिए वो एज लिमिट हो गए, अगर अदरवाइज एक कॉल फॉर्म कब आते हैं, किस महीने में आते हैं और एक साल में कितना वैकेंसी खाली रहता है? जी, इंडियन एयरफोर्स का अभी देखिए, अभी ये मंथ चल रहा है हमारा फेब्रवरी मंथ, तो अभी प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स में ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैडम ने पूछा, ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए इसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। आप इंडियन एयरफोर्स के वेबसाइट पे, जो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, उस यूआरएल पे, उस वेबसाइट पे आप जाके स्टूडेंट्स जिनका ट्वेल्थ पास हो गया है वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स ग्रुप एक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है वो ग्रुप वाई के लिए भी अप्लाई करें। और इसके लिए ये निकलता है तकरीबन हर साल फरवरी या फिर इस मार्च मंथ, एवरी ईयर इसमें इंडियन एयरफोर्स के वेबसाइट पे ये आ जाती है एग्जामिनेशन। एक तो रहती है अभी जो यहाँ पे ऑनलाइन वाली आई है वो एक एग्ज़ाम है, कुछ मंथ में इसका एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में एग्ज़ाम होगा, और इस मंथ में इसका अभी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है। तो स्टूडेंट्स, मेरा विनती है हर एक स्टूडेंट से कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का यूज़ करें, जिसका भी ट्वेल्थ हो गया है वो जाके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करे एयरफोर्स की और उसमें अप्लाई करे। और इसका सिलेबस भी बहुत ही ईजी है, एयरफोर्स वाई में भी अगर जाना चाहते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ये पढ़ के ईजीली वो सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसमें जो फिजिकल आर्मी की तरह टफ नहीं रहता, फिजिकल जिनका थोड़ा सा मान लो आर्मी की तरफ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है उनके लिए अच्छी बात है कि एयरफोर्स में फिजिकल राउंड उनका ज़रा ईजी रहता है, और जिनको आर्मी टेक्निकल जाना है वो आर्मी टेक्निकल भी जा सकते हैं ट्वेल्थ साइंस करने के बाद। अभी सेकेंड ईयर होने के बाद, अब सेकेंड ईयर में इतना ही मार्क्स हुए तो उतना ही उन्होंने ए फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ तो रहता है सर? जी मैम, ट्वेल्थ के लिए वैसे देखा तो डिफेंस में स्पेशली जैसे एयरफोर्स की बात करेंगे तो एक 50-50 मार्क्स का एक ये रहता है कि आपके इंग्लिश में स्पेशली 50 मार्क्स प्लस होने चाहिए। जैसे मैं अभी बात कर रहा था ग्रुप वाई, इसमें वैसे कोई ये नहीं है परसेंटेज वाला, ये नहीं है, एक 50-45 to 50 मार्क्स के ऊपर उनका ये होना चाहिए, 50 मार्क्स के ऊपर इंग्लिश में स्कोर होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश में वैसे वो स्कोर तो कर ही लेते हैं, वो करते हैं। तो साथ ही साथ रेलवे में भी बात आती है, क्योंकि अभी ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स, अब ट्वेल्थ के ऊपर रेलवे में भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए रहती है। रेलवे में अगर हम देखेंगे, अभी लास्ट ईयर जो निकली थी लैक्स ऑफ 2019 में लैक्स ऑफ वैकेंसीज निकली थी इंडियन रेलवे में, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनका ITI है, जिनका ट्वेल्थ है, जिनका ये है, वो ग्रुप, जैसे ग्रुप डी वैकेंसी निकली थी, टेक्नीशियन वैकेंसी निकली थी, ये ग्रुप डी टेक्नीशियन ये सारे वैकेंसीज ये उनके टेंथ लेवल एंड ITI एंड ट्वेल्थ लेवल, ITI स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, और ये टेक्नीशियंस और डिप्लोमा स्टूडेंट्स तो उनके लिए भी ये इंडियन रेलवे में जा सकते हैं। अब इंडियन रेलवे की बात आती है, रेलवे में NTPC एग्ज़ाम रहती है, इसका NTPC का जो आप देख सकते हो कि तकरीबन आप मान लो कि 2 से 3 साल में ये एग्ज़ाम हमेशा होती रहती है। और रेलवे इसके लिए भी ट्वेल्थ पास, और यहाँ पे परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं आता, जस्ट ट्वेल्थ उन्हें पास होना पड़ता है। और ट्वेल्थ पास के ऊपर अगर वो रेलवे NTPC एग्ज़ाम क्लियर करेगा तो उसके लिए जूनियर क्लर्क, TC, TT और इस तरह के पोस्ट उसको इंडियन रेलवे में वर्क बहुत ही अच्छे सैलरी से, बहुत ही अच्छे वाला सेटल्ड लाइफ वाला जॉब उसे मिल सकता है। ये है इंडियन रेलवे में। अब हमारे को SSLC के बारे में बताया और सेकेंड ईयर के होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं हम विद्यार्थी को बताएं। अब हमारा बारी आते हैं डिग्री के, डिग्री के लोग विद्यार्थी भी अभी वेट करते रहते हैं हमारे बारे में कब आता है, हमारे को कौन सा वैकेंसी हमारे को आता है और क्या कौन सा हम जॉब कर सकते हैं करके, उनके बारे में आप क्या बोलने सकते हैं? माफ़ करिए, सबसे पहले तो ट्वेल्थ के ऊपर जैसे मैंने कहा डिफेंस में भी वर्क कर सकते हैं, रेलवे में भी वर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ SSC CHSL करके भी एक एग्ज़ाम आती है हर साल, SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, वहाँ पे भी ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्कोप है। एवरी ईयर 7,000 to 8,000 वैकेंसी सिर्फ SSC CHSL में भी आ जाती है, जिसमें उनको
लोअर डिविजनल क्लर्क, यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क ऐसे पोस्ट मिलती है जिनकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपको तकरीबन 28,000 टू 32,000 इस रेंज में मिलती है। और वहाँ पे भी सिलेबस आपका सेम ही रहता है, तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक एग्जाम में सिलेबस एक ही है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपका जैसा क्वेश्चन था अगला कि डिग्री वाले स्टूडेंट क्या कर सके, अब देख लीजिए डिग्री, मान लीजिए कि स्टूडेंट की एक डिग्री 21 एज में उनकी डिग्री आ जाती है, 21 डिग्री। अब तक मैंने जो भी एग्जाम्स बताए, 10th के ऊपर हो, 12th के ऊपर हो, या फिर अभी मैं बताने वाला हूँ 12th, तो डिग्री वाले स्टूडेंट्स 10th के एग्जाम, 10th के ऊपर जो SSC MTS आते हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th के ऊपर जैसे रेलवे की आ जाती है, रेलवे NTPC उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th के ऊपर SSC CHSL आता है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिग्री वालों के लिए एक्स्ट्रा एग्जाम्स भी रहते हैं जिनका मिनिमम डिग्री है, तो अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो डिग्री के ऊपर कौन कौन से एग्ज़ाम, जैसे कि सबसे मैं आपको थोड़े से कुछ एग्ज़ाम्स बताऊँगा जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है डिग्री बार स्टूडेंट्स के लिए। सबसे ज़्यादा जॉब देने वाले जो एक सेक्टर है वो है बैंकिंग, गवर्नमेंट में जो निकलता है वो निकलता है बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा वैकेंसी एवरी ईयर, आप मान लीजिए कि तकरीबन 30,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी सिर्फ एक बैंकिंग सेक्टर में निकलती है। और जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी उन्हें जो मिलती है वो एग्ज़ाम बैंकिंग में होते हैं, जैसे कि बैंकिंग में एक एग्ज़ाम आती है बैंकिंग IBPS क्लर्क एग्ज़ाम, ये एक एग्ज़ाम रहती है। साथ ही साथ बैंकिंग में आती है IBPS PO एग्ज़ामिनेशन, PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो असिस्टेंट डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर बोलकर ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो PO एग्ज़ाम लिख सकते हैं। उसके बाद में आती है IBPS RRB क्लर्क। अब RRB मतलब IBPS, ये भी एक थर्ड एग्ज़ाम है, ये डिफरेंट एग्ज़ाम है जिनको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनकी ज्वाइनिंग रूरल एरियाज़ में मिलती है, जैसे कर्नाटका में कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक हो या इस तरह के रीजनल रूरल बैंकिंग अलग अलग रहते हैं, वहाँ पे उनको स्टूडेंट्स को मिलता है। इसी तरह से IBPS RRB PO एक अलग सी एग्ज़ाम होती है जिसमें ऑफिसर आपको पोस्ट मिलता है। उसके बाद में आता है SBI क्लर्क, SBI PO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पोस्ट रहता है, LIC में क्लर्क रहता है, LIC में ऑफिसर पोस्ट रहता है। साथ ही साथ अदर इंश्योरेंस एग्जामिनेशन जैसे NISCL आता है, अलग अलग जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर्स वाले एग्ज़ाम है वो भी आते हैं। साथ ही साथ कभी कभी पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक वो वाली पोस्ट ऑफिस वाली एग्ज़ाम भी रहती है। तो बैंकिंग में आप देखेंगे कि एक साल में कि 15 सिमिलर एग्जामिनेशन, 15 एग्ज़ाम बच्चों को मिल जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स इस उनके डिग्री का यूज़ करके ऐसे बैंकिंग सेक्टर में भी एंटर कर सकते हैं, ये बैंकिंग में। जी मैम, और अभी SSLC सेकेंड ईयर अदरवाइज डिग्री पास होने के स्टूडेंट को आपको क्या तो संदेश दे सकते हो? इससे पहले मैं एक क्लियर भी करना चाहता हूँ कि डिग्री के ऊपर एक तो मैंने कहा एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, साथ ही साथ सेकेंड सेक्टर आती है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 10th पे भी होती है एग्ज़ाम, 12th वालों के लिए 10th पर रहती है MTS, 12th पे रहती है CHSL। तो डिग्री के ऊपर जिनका डिग्री हो गया है और उनको ज़रा सा हायर पैकेज वाले, हायर अच्छे वाले जॉब चाहिए, वो SSC CGL करके एग्ज़ाम रहता है, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन से। ये एवरी ईयर एग्जामिनेशन होता है, ssc.nic.in इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो कौन कौन से एग्ज़ाम्स कब रहते हैं। तो ये एवरी ईयर एग्ज़ाम रहता है, अगर स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम ये क्लियर एग्ज़ाम करेगा तो उसको जो जॉब प्रोफाइल मिलती है वो रहती है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, साथ ही साथ असिस्टेंट इन ऑल जो भी सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, या फिर पार्लियामेंट है, या फिर बाहर एक्सटर्नल मिनिस्टरी है, या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, CBI डिपार्टमेंट है, या फिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इंडिया के है, या फिर इवन इंडियन रेलवेज, या फिर कोई डिफेंस में, तो यहाँ पे जो ग्रुप बी के ऑफिसर्स रहते हैं, ग्रुप बी पोस्ट रहते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे SSC CGL क्लियर करने के बाद मिल सकते हैं। तो ये हो गया था। एंड डिग्री के ऊपर रेलवे NTPC और एक आता है। अब ये रेलवे NTPC में डिग्री के ऊपर अगर आप लिखोगे तो आपको जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है स्टेशन मास्टर, कमर्शियल इंस्पेक्टर, देन आपके पास सीनियर गुड गार्ड, सीनियर कमर्शियल क्लर्क, ऐसे सारे सीनियर पोस्ट आपको मिलते हैं जिनकी तनख्वाह जैसे NTPC में जब हाईएस्ट पैकेज आपको मिलती है वो मिलती है स्टेशन मास्टर, जिसका ओवरऑल जो स्टार्टिंग मिल जाता है 48,000 to 50,000 के इस रेंज में उनको एक सैलरी मिलती है। तो रेलवे में भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट को डिग्री पास होने के बाद में। जी मैडम,
ये अभी और डिग्री होने के बाद आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी और डिग्री वालों पास होने के लिए है, वो तो उनके हेते हैं, मगर उनको एग्ज़ाम पास करने के लिए कैसे उन प्रिपेयर करना चाहिए और एग्ज़ाम कैसे पैटर्न में रहता है और किस एक रहता है उनका एग्ज़ाम, क्या दो रहता है और इंटरव्यू रहता है, कैसे रहता है सर उनका? जी मैम, तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैडम ने पूछा हमसे कि क्या क्या स्टूडेंट को स्ट्रेटेजी क्या करनी है, क्या करनी नहीं करना है, ये चीज़ें, तो बहुत सारे बच्चों के मन में फियर आता है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब हमें जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू फेस करने में डर जाते हैं। तो देख लीजिए, जितने भी मैंने अभी बहुत सारे आपको बताए, ये सारे के सारे जो भी पोस्ट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें है 80% जो जितने भी आए उसमें किसी में भी इंटरव्यू नहीं है। अगर आप इवन एसएससी सीजीएल जो डिग्री के ऊपर है उसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट अगर भी लेना चाहते हो उसमें भी इंटरव्यू नहीं है। ग्रुप बी में ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनके लिए इंटरव्यू कैंसिल किया गया है। तो रेलवे में भी आप देखो कि रेलवे में एग्ज़ाम्स के लिए भी कोई इंटरव्यू नहीं है, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए इंटरव्यू नहीं है, बैंक के क्लर्क वाले जॉब के लिए कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं है। सिर्फ बैंक के जो पीओ ऑफिसर पोस्ट आता है, ठीक है, तो उसके लिए एक इंटरव्यू एक्स्ट्रा से रहता है, तो वो है। और नेक्स्ट आती है बात प्रिपरेशन की, जैसे आपने कहा कि प्रिपरेशन क्या करें, तो हमारे स्टेट्स कर्नाटका में अब स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि सारे के सारे पोस्ट, सारे के सारे सरकारी दफ्तर में सिर्फ नॉर्थ इंडियन लोग रहते हैं। अब वो क्यों रहता है नॉर्थ इंडियन? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जैसे ही स्टूडेंट एक बच्चा टेंथ पास कर लेता है तो वो टेंथ पास होने के बाद ही प्रिपरेशन शुरू कर देता है गवर्नमेंट की। लेकिन हमारे स्टेट में, साउथ इंडिया के स्टेट्स में, कर्नाटका स्पेशली में, जब स्टूडेंट का डिग्री पास हो जाता है तब वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है। तो स्टूडेंट का क्या होता है, नॉर्थ इंडियन के बच्चे पहले से स्टडी करते हैं तो इसलिए उनको जब पहले से उनको आदत रहती है, उसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में पता होता है, स्टडी की रहती है। और यहाँ के स्टूडेंट क्या करते हैं, डिग्री पास होने के बाद में उसको जाते हैं तो इसलिए एग्ज़ाम में उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर द गवर्नमेंट प्रिपरेशन इज़ राइट आफ्टर, आप जैसे ही आपका टेंथ एग्ज़ाम क्लियर होगा तो अपने अपने, जैसे कोई भी आप बैकग्राउंड से हो, आप अगर गवर्नमेंट में जॉब पाना चाहते हो, जैसे ही आपका टेंथ हो जाएगा तो आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में 3-4 चीज़ें आपको करनी है, जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, बहुत सारे बुक स्टॉल में कॉम्पिटेटिव की बुक्स अवेलेबल है, जीके। देन दूसरा, इंग्लिश थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा आपको, इंग्लिश का भी एक बुक आता है ये, वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, अब ये मैथमेटिक्स ये होता है एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, ये 11th 12th का मैथ्स नहीं रहता, ये अप टू 10th लेवल का ही मैथ्स रहता है, जिसमें अरिथमेटिक इस टाइप के क्वेश्चंस और ज्योमेट्री और मेंचुरेशन के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, वो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में आपको रीजनिंग का आपको कहीं पे भी बुक मिल जाता है, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं वहाँ से। तो जैसे ही टेंथ हो जाता है या फिर 12th हो जाता है, आप प्रिपरेशन शुरू करें। और जिनका डिग्री हो गया है, डोंट वरी, अभी से भी आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत सारे वैकेंसी आपके पास आने वाले हैं। अब इस साल में बहुत सारे बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी, 30,000 वैकेंसी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर इस साल फिर से इसके ऊपर वैकेंसी आपको देने वाला है। तो डिग्री स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज़ है, अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो जून जुलाई से एग्जामिनेशन पूरे बैंकिंग के स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। सर, आप एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा कुछ हमारे को जानकारी दीजिए ना उसके बारे में। जी देखिए, तो एग्ज़ाम्स के बारे में कौन कौन से, मैडम एग्ज़ाम्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं? अब हमारा हायर स्टडी मतलब हायर पोजीशन में रहता है ना, और अब ग्रुप डी के बारे में, अभी डिग्री स्टूडेंट्स डायरेक्ट ग्रुप डी के फॉर्म भरेंगे। लो लेवल में आता है, ग्रुप डी से ऊपर सी आता है और सी से ऊपर बी आता है और बी के ऊपर ए आता है। जी मैडम, ठीक है। अब हमारा डिग्री के पास होने के बाद ग्रुप ए का हम एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करने का, और कितने एग्ज़ाम्स रहते हैं और कितने मार्क्स से एग्ज़ाम रहते हैं और कितने टाइम में हम वो एग्ज़ाम्स कंप्लीट करना चाहिए? तो एग्ज़ाम का सिलेबस सभी, मतलब क्या है, सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है सभी एग्ज़ाम्स का, लेकिन मार्क्स, अभी जैसे मैडम ने कहा मार्क्स, तो मार्क्स थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे बैंकिंग में मैं बात करता हूँ डिग्री स्टूडेंट्स के लिए, बैंकिंग, तो बैंकिंग में एक पेपर नंबर 1, 2 स्टेजेस रहते हैं क्लर्क के लिए। पेपर नंबर 1, स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 1 रहता है 100 मार्क्स का, जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये उनको पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स 35 मार्क्स का, रीजनिंग 35 मार्क्स का और इंग्लिश 30 मार्क्स का। तो ये 100 मार्क्स स्टूडेंट को इसमें स्कोर करना पड़ेगा, इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो स्टेट का कट ऑफ आता है। अब मान लीजिए हमारा कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका स्टेट के लिए मैं बता देता हूँ, जो बैंकिंग में उन्हें 100 में से
60-65 प्लस उनका स्कोर होना है। 60-65 प्लस अगर वो स्कोर करेंगे पेपर नंबर वन में, तो बहुत सारे एग्जाम से जैसे IBPS हो, SBI हो, जिनका कट ऑफ 58-60 के 62 के रेंज में लगता है, तो वो इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सेफ साइड होने के लिए आप 65 नहीं 70 से ऊपर करोगे तो सारे एग्जाम्स आपके पेपर नंबर वन क्लियर हो जाएंगे। कोई भी हो, जितने भी बैंक के एग्जाम आते हैं सारे आप क्लियर कर सकते हो। एक बार ये क्वालिफाई आप करते हो, आपको तकरीबन एक महीने का टाइम रहता है स्टेज टू। जैसे आपने पेपर वन क्लियर किया, एक महीने का टाइम पीरियड रहेगा। एक महीना होने के बाद में आपका मेंस मतलब स्टेज टू वाला एग्ज़ाम होगा, जो तकरीबन 200 मार्क्स का रहता है। तो उसमें स्टूडेंट को वहाँ पे भी क्वालिफाई करके वहाँ पे मेरिट लिस्ट में एक कर्नाटका स्टेट का एक कट ऑफ रहता है कि मान लीजिए लास्ट टाइम एक एग्ज़ाम हुआ था IBPS जिसमें कट ऑफ निकला था 85, तो स्टूडेंट को 200 में से 85-90 के ऊपर जिसने स्कोर किया है तो वो इजीली उसने क्वालिफाई पेपर सेलेक्ट हो गया है। और एक बार ये हो गया तो उसको कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड राउंड एंड डायरेक्टली उसको जॉब बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। ये एक एडवांटेज है बैंकिंग सेक्टर में कि जैसे ही उसका एग्ज़ाम हो जाता है एक 2-3 मंथ में उसका ज्वाइनिंग बहुत जल्दी आ जाता है। अगर स्टूडेंट प्रिपरेशन अभी से करेगा इस साल में तो ईयर एंड तक उसके हाथ में एक ना एक बैंक जॉब हो सकता है, प्रोवाइडेड सिंसियर डेडिकेटेड स्टडी वो करना चाहिए। जी मैम, ये था बैंकिंग सेक्टर एग्जाम का, कैसे हम प्रिपेयर करने का और उसका भी एग्जाम्स कैसे रहता है और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है। तो SSC के एग्जामिनेशन आप देखोगे कि SSC के एग्ज़ाम 10th लेवल पे जो आती है वो 100 मार्क्स की रहती है। 12th लेवल में दो एग्ज़ाम्स रहते हैं उसके, पेपर नंबर वन पेपर नंबर टू, जो कि आपके 200 मार्क्स और 12th के ऊपर 200 मार्क्स का रहता है। एंड डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए वो रहता है 200 मार्क्स का पेपर नंबर वन। अब इसमें आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है SSC एग्ज़ाम के लिए मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK। अब GK मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक GK। बैंकिंग में ये नहीं पढ़ना पड़ता आपको, हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ता, GK नहीं पढ़ना, हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी बैंकिंग स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन SSC के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ साइंस भी स्टडी करना पड़ेगा। यही फ़र्क है बैंकिंग और SSC में कि बैंकिंग के स्टूडेंट्स को ये ड्रॉप कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये परफेक्ट है तो SSC एग्जाम्स के लिए वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। SSC CGL की बात आती है तो पेपर नंबर वन 200 मार्क का रहता है, 200 मार्क्स का रहता है टोटली, और पेपर एक बार वो पेपर उसमें स्कोर करेगा 155-160 प्लस करेगा तो वो पेपर नंबर टू में जाता है, और पेपर नंबर टू टोटली 400 मार्क्स का रहता है। पेपर नंबर टू में सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश रहता है, मैथमेटिक्स 200 मार्क्स का और इंग्लिश 200 मार्क्स का। और पेपर नंबर टू क्वालिफाई करने के बाद में पेपर नंबर थ्री जो रहता है वो एसे एंड लेटर राइटिंग का रहता है, या फिर प्रिसाइज राइटिंग, जिसमें स्टूडेंट को कोई भी एसे दिया जाएगा या फिर लेटर लिखने को दिया जाता है जो कि 100 मार्क्स का रहता है। तो देख लीजिए आप SSC CGL डिग्री स्टूडेंट्स के लिए टोटल पेपर, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, जो कि पेपर वन 200 मार्क्स, पेपर टू 400 मार्क्स और पेपर थ्री 100 मार्क्स, ऑल सब कुछ मिला के 700 मार्क्स का पेपर रहता है। और इसीलिए इसे मिनी UPSC भी कहा जाता है क्योंकि तीन स्टेजेस में आपका यहाँ पे SSC के एग्ज़ाम हुए जाते हैं। जी मैम। सर इस एग्ज़ाम में कुछ तो माइनस पॉइंट कुछ रहता है? जी मैम, तकरीबन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग है। SSC के एग्ज़ाम्स के लिए आपका 0.25 मतलब 25% मार्क्स कट हो जाता है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो अगर आपने नेगेटिव किया तो उसका 1/4 आपका कट हो जाता है। SSC के एग्जाम में 1/4 नेगेटिव है, अगर आप कोई गलत करते हो तो 1/4 माइनस हो जाएगा। रेलवे के एग्जाम्स में आप बोलो 1/3 कट हो जाता है, मतलब अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपने एक गलत कर दिया दूसरा क्वेश्चन तो आपके -0.33 हो जाएंगे। तो वो है, तो स्टूडेंट्स को मिस्टेक नेगेटिव भी कभी नहीं करना है यहाँ पे। जी मैम, अभी हमारे को ये दोनों बारे में एग्जाम्स के बारे में बताया, अब हमारे को रेलवे एग्जाम्स के बारे में बताइए सर। तो रेलवे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स को, अभी तो एग्ज़ाम्स ऑलरेडी चल भी रहे हैं, जनवरी मंथ से वो दिसंबर एंड से शुरू हो गए एग्जामिनेशन। तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है रेलवे एग्ज़ाम्स ऑल इंडिया से, और कर्नाटका में भी बहुत सारे वैकेंसी है, और वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो पूरे स्टूडेंट्स बहुत, कर्नाटका ये स्टेट है हमारा ऑल इंडिया में जहाँ पे थोड़े कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत एडवांटेजेस है कि वो इस गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर इजीली हो सकते हैं। तो रेलवे बात आती है डिग्री के ऊपर, रेलवे में जो एग्ज़ाम रहती है पेपर नंबर वन NTPC का, जो उन्हें 100 मार्क्स का रखा जाता है, 100 मार्क्स का पेपर रहता है, और 100 मार्क्स के एग्ज़ाम के लिए
उसको मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स रीजनिंग और जीके, ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। रेलवे एग्ज़ाम में एक अच्छी बात यह है, जिनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये तीन पेपर एक ही इसमें पेपर में रहेंगे। तो एक बार ये क्वालिफाई करने के बाद में इसका रिजल्ट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है पेपर वन, एक बार उसका रिजल्ट आया, क्वालिफाई उसने कर लिया, तो उसका मेंस एग्ज़ाम रहेगा, जिससे जो मेंस एग्ज़ाम 120 मार्क्स का होगा, इसमें भी सेम ही सिलेबस है, लेकिन उसमें उसका डिसाइड होगा कि उसका रैंक कितना आया है। डिपेंडिंग ऑन द रैंक उसको अलग अलग पोस्ट मिलती है, जिसका ज़्यादा अच्छा रैंक आता है तो ऑब्वियसली वो स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटाइस ऐसे पोस्ट को चूज़ करता है, और उस तरह से अलग 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 रैंक वाइज उनको पोस्ट मिलती है। जी मैडम, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಶ್ಮಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.